सो गाइस, बिग बॉस मराठी के अंदर एक और रूम की ओपनिंग हुई जिसका नाम था पावर रूम। और इस पावर रूम के अंदर कई सारे पावर कार्ड रखे थे जिसका इस्तेमाल करके घर वाले पूरी गेम को पलट सकते थे। तो चलिए जानते हैं पावर रूम के अंदर क्या हुआ। गाइस, कल बेबी टास्क खत्म होने के बाद बिग बॉस ने एक और रूम की ओपनिंग करी जिसका नाम था पावर रूम। और फिर इस रूम के अंदर अभिजीत और अरबाज, जिनके पास तंटा घर में जीते हुए 50,000 रुपए थे, उन दोनों को पैसे लेकर उस रूम में बुलाया और फिर इन दोनों को दो ऑप्शन दिए कि आप दोनों के पास दो कार्ड हैं जिनमें से एक था कि आप किसी भी नॉमिनेटेड सदस्य को सेव कर सकते हो और दूसरा कार्ड था नो ड्यूटी फॉर 1 वीक। तो दोनों कंटेस्टेंट ने वोट टू सेव वाला कार्ड लिया जिसमें अरबाज ने सेव किया निकी को तो अभिजीत ने सेव किया पैडी को। और जैसा कि हम सभी को पता है कि बेबी टास्क में टीम बी जीती थी, तो फिर टीम बी के संचालक वैभव को भी इस पावर रूम में बुलाया और फिर वैभव के सामने 5 ऑप्शन रखे थे और आप इन 5 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को यूज कर सकते हो जिसकी कीमत थी 50,000 रुपए। जिसके बाद फिर वैभव ने 50,000 के बदले रिप्लेस समवन फ्रॉम नॉमिनेशन का कार्ड यूज करा और फिर अभिजीत को नॉमिनेट करके घनश्याम को सेव किया। यानी कि अब घर के अंदर 4 लोग नॉमिनेटेड हैं और वो लोग हैं सूरज, योगिता, निखिल और अभिजीत। अब देखना ये होगा कि इन 4 में से कौन होता है इस वीक घर से बेघर। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।